फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं कि ऑफ और ऑफ में क्या फर्क है, यानी इन दोनों का सही यूज क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, आप पूरी बात समझेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब इनका सही यूज देखें। फ्रेंड्स, ऑफ का इस्तेमाल हम किसी नाउन से रिलेशन बनाने के लिए करते हैं, यानी जब किसी नाउन से रिलेशन बनाना हो, रिश्ता बनाना हो या संबंध दिखाना हो तो हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी वह हमारे फैमिली का एक मेंबर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ वह और आवर फैमिली के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया, यानी ये बताया गया कि उसका रिलेशन उस फैमिली से है या उसका संबंध उस फैमिली से है, वह उससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑफ का यूज हम दो नाउन के बीच में रिलेशन या संबंध स्थापित कराने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात ऑफ की करें तो मैं कहूंगा कि ऑफ का यूज हम किसी नाउन से अलग होने के लिए करते हैं या किसी नाउन से दूर होने के सेंस में करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कीप ऑफ द ग्रास, यानी घास से दूर रहो, या टेक योर फीट ऑफ द चेयर, यानी कुर्सी से अपना पैर दूर रखो या कुर्सी से अपना पैर हटाओ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ ऑफ का यूज हम किसी नाउन से अलग होने के लिए या किसी नाउन से दूर होने के लिए किए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह पेड़ से गिर गया तो आप कहेंगे ही फेल ऑफ द ट्री, या अगर मुझे कहना हो वह टावर से कूद गया तो आप कहेंगे ही जंप्ड ऑफ द टावर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि पेड़ से गिर जाना या टावर से कूद जाना, इन दोनों कंडीशन में कोई एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अलग हो जा रहा है या उससे दूर हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाना हो, ये बताना हो कि कोई एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ है या उसके बीच में कोई संबंध है, कोई नाता है, कोई रिश्ता है, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सी इज द सिस्टर ऑफ रीता, यानी यहाँ पर दो इंसान के बारे में बात किया गया और ये बताया गया कि एक का संबंध दूसरे से है या एक का नाता दूसरे से है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया कि ऑफ का इस्तेमाल आप दो नाउन के बीच में संबंध या रिश्ता दिखाने के लिए आप करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ये कहना हो कि किसी एक नाउन से अलग हो जाना या किसी एक नाउन से दूर हो जाना, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, ऑफ का एक यूज बंद करना भी होता है। जैसे अगर आपको कहना हो पंखा बंद कर दो तो आप कहेंगे स्विच ऑफ द फैन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो नल बंद कर दो तो आप कहेंगे टैप ऑफ, यानी नल बंद कर दो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह डिफरेंसेस आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो क्या इन दोनों टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने इसका सही इस्तेमाल किया या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।